हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 11 की। ठीक है बेटा, थ्योरम 11 में देखिए आपको क्या गिवन है। पहले इसको हम समझेंगे, फिर देखेंगे हमें इसमें क्या प्रूफ करना है। कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले हमें जानना होगा कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है बताइए, ये क्या है हमारा? ये है बेटा हमारा एक सर्कल, ठीक है, और ये इसका सेंटर होता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनिएगा। यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करता, देखिए लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूं, एक ऐसी लाइन जो इसको टच ही ना करे, ठीक है बेटा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। एक ऐसी लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं जो इसको दो भागों में डिवाइड कर दे या फिर इस सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है बेटा, उसका नाम होता है सेकेंड। क्या नाम होता है बेटा? सेकेंड। समझ में आ रहा है? एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पहली वाली का नाम क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो इसको टच ही नहीं करके जा रही, ठीक है बेटा, एक ऐसा जो इसको दो भागों में डिवाइड करके जा रही है या दो पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि वो सर्कल को क्या कर रही हो बेटा? एक पॉइंट पे क्या कर रही हो? टच करके जा रही हो, ठीक है। अब सपोज करिएगा मैंने एक गोला लिया, मुझे उसमें एक तीर मारना है, ठीक है बेटा, तो तीर ऐसा हो सकता है ना भी लगे, हो सकता है आर पार चला जाए, यह भी संभव है कि टच करके चला जाए, ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई तरीका है तो आप मुझे बताइएगा। अगर वो टच करके जाता है तो उस लाइन को हम बोल देते हैं बेटा टेंजेंट। समझ में आ रहा है बेटा? यदि वो सर्कल को क्या कर जाएगा? टच करके जाएगा किसी एक पॉइंट पर, तो उसे हम बोल देते हैं बेटा टेंजेंट। अब देखिएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा, वो परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है बेटा। ये मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये हमारा रेडियस है, तो ये जो टेंजेंट है यहां पर परपेंडिकुलर होगा। मींस हमें यह बताना है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। पहले लिखेंगे आ सेंटर, पहले लिखेंगे आ सर्कल, सॉरी क्या लिखेंगे बेटा? आ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या मानना है हमें बेटा? ओ मानना है, ठीक है। पहले एक सर्कल यहां पर बना लेते हैं। सपोज करिए यह हमारा क्या हो गया बेटा? एक सर्कल हो गया, क्लियर है। और ये क्या है बताइएगा? ये हमने इसका क्या मान लिया बेटा? टेंजेंट मान लिया। क्या मान लिया इसको हमने? टेंजेंट मान लिया, इस तरीके से। ओके, क्लियर है इतना आपको। और ये हो गया इसका सेंटर, और यहां से लेके इस पर अगर मैं लाइन लूंगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। चलिएगा अब इसको देखो प्रूफ कैसे करते हैं। मैंने थ्योरम नंबर 5 में आपको बताया था, यदि हमारे पास, ये समझ में आ गया आप लोगों को, जो लाइन टच नहीं करती उसे क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां पर आप लिख लेना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो उसको इंटरसेक्ट करके जाएगी उसको सेकेंड कहते हैं, जो एक पॉइंट पर टच करके जाएगी उसे टेंजेंट कहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि अगर हमें सपोज करिए एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा क्या हो गया बेटा? एक पॉइंट हो गया, ठीक है। यदि मैं इसका डिस्टेंस नापना चाहता हूं तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर नापा जाता है और वो इसका सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट से एक लाइन का मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा मेजरमेंट करेंगे परपेंडिकुलर तरीके से, जहां पे 90 का एंगल बनता है, और वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बोले तो सबसे छोटा डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस तो देखो इस लाइन का ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा आप देखेंगे यही होगा। ये सब के सब क्या होंगे बेटा? डिस्टेंस लंबे वाले डिस्टेंस होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है इस लाइन पर सबसे छोटा है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि सबसे छोटा डिस्टेंस है तो फिर समझ में आ जाएगा कि बेटा फिर हमेशा क्या मतलब क्या मतलब क्या रहेगा, ये इस पर परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। किस वजह से रहेगा? मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है और वो सबसे छोटी दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिएगा इसको प्रूफ कैसे करते हैं। यहां पर हमें इसे क्या मानना पड़ेगा? सपोज करिए मैंने इसको मान लिया है ए बी, ए बी मेरा क्या बन जाएगा? फिर टेंजेंट बन जाएगा। तो मैंने लिखा अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इन विच, जिसमें, इन विच मतलब क्या हो गया बेटा? जिसमें ए बी क्या हो जाएगा बेटा? ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी क्या है? एक हमारा टेंजेंट है, ठीक है बेटा। और विच टच इज द सर्कल, जो सर्कल को टच करता है एट पॉइंट पी या एट पॉइंट एम, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। इसको मुझे क्या मान लेना है? पी मान लेना है या फिर एम मान लेना है, उससे कोई मैटर नहीं करता। समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें आप लोगों को टू प्रूफ क्या करना है, देखिएगा। प्रूफ हमें यह करना है
अगर ये इसमें परपेंडिकुलर है तो मींस हमें प्रूफ करना है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है बेटा ए बी के ऊपर, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तभी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, यानी कि बात एक ही पड़ेगी। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना है तो इस पर परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो मुझे दिखाना होगा कि ओ एम सबसे छोटा है। तो प्रूफ ये करना है बेटा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, कि वो परपेंडिकुलर होता है। मींस यहां पर हमें 90 का एंगल प्रूफ करके दिखाना है, वो जब मैं दिखा सकता हूं जब ये लाइन सबसे छोटी मैं प्रूफ करूं। मींस हमें प्रूफ करना है कि OM जो है सबसे छोटी लाइन है इस पॉइंट से इस टेंजेंट की, अगर हम डिस्टेंस लेते हैं। अगर हम कहीं और डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पहले आप देखिएगा कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा लेट करते हैं, लेट यहां पर एक पॉइंट ले लिया क्यू बी बी एनी पॉइंट क्यू, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है ऑन टेंजेंट ए बी। हमने जो है क्यू एक पॉइंट लिया है टेंजेंट ए बी पर, तो ये मेरा ए बी है, यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया सपोज करो यहां पर, तो मैं इस पॉइंट को अगर इससे ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आप लोगों का ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड विच आ जाएगा, एंड कर देना एंड ज्वाइन, और हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको बेटा, ओ इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, क्यू बोल दिया। ठीक है, हमने बताया आप लोगों को, हमने जो है ए बी पर एक पॉइंट लिया है क्यू, जिसको हमने उसके सेंटर से क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन ओ क्यू। समझ में आ गया, इतना आप नोट कर लीजिए पहले प्लीज। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये जो OQ है, जो ये OQ लाइन है, ये सर्कल को कहीं ना कहीं देखो इंटरसेक्ट कर रही होगी, बताइए कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, यहां पे देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए आप लोग प्रूफ। तो हमने क्या बताया आप लोगों को कि ये जो आपका सर्कल है और ये जो लाइन आपका OQ है, ये इसको किस पॉइंट पे क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, बता दीजिए बेटा कौन सा वो पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आपने क्या बोल लिया, P बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, P बोल दिया, कि हमने देखा कि जो OQ लाइन है वो सर्कल को क्या कर रहा है बेटा, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया। अब मुझे बताइए मैंने ऐसा क्यों लिखा कि OM इज इक्वल टू है OP के, बताइए रीजन क्या है। OM जो है, ऐसे क्या हुआ कि OM जो है वो OP के बराबर हो गया, कुछ याद आया, याद आया। देखिएगा एक सर्कल में कितनी भी रेडियस हो वो सब क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो देखिएगा ये सेंटर है, ये भी इसको यहाँ टच कर रहा है, ये भी इसको यहाँ टच कर रहा है, मीन्स बात साफ है कि हमारा जो ओ एम है वो ओ पी के बराबर है, और लिख देंगे सेम रेडाई। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सेम रेडाई है, सेम रेडियस है ऑफ अ सर्कल। ठीक है बेटा, चलिएगा इतना आपको समझ में आ गया। एक बात और बताइए, बट लेकिन एक बात हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है कि जो हमारा ओपी है, जो हमारा ओपी है वो छोटा है, स्मॉलर है किससे, ओपी छोटा है किससे बेटा, ओक्यू से। क्या ऐसा है या नहीं, हाँ या ना, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ओपी जो है, देखो ओपी इतना सा डिस्टेंस है और ये बड़ा डिस्टेंस है। मैं आपसे खुद पूछता हूं, ये लाइन मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, तो आप मुझे बता दीजिएगा क्या ए बी बड़ा होगा ए सी से, बताइएगा क्या मेरा जो ये ए बी है ये इस ए सी से बड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ए बी स्मॉलर रहेगा किससे बेटा, ए सी से। उसी प्रकार से हमने यहां पर लिखा है कि जो हमारा ओपी है वो छोटा है किससे बेटा, OQ से। लेकिन एक बात और अब आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अब देखिएगा यहां पे देखिए OM जो है ऑलरेडी OP के बराबर है, अगर OP छोटा है OQ से, क्या बताया मैंने, यदि OP छोटा है OQ से तो फिर OM भी छोटा होगा OQ से, होगा नहीं होगा बेटा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे OM जो है वो छोटा होगा OQ से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं OP और M दोनों के दोनों रेडियस हैं। अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो जब 5 छोटा है, 5 छोटा है इस वाली लेंथ से, लेंथ 5 से बड़ी होगी मान लो 6, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये जो OM है ये भी 5 हो जाएगा और छोटा रहेगा बेटा किससे, 6 से या 7 से, जो भी यहां पे लेंथ टोटल मानी जाएगी। समझ में आया आप लोगों को। तो यहां से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लिख देंगे नाउ वी कैन से, हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट ओ एम
इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए कितना इजी सी ये थ्योरम है जो आपकी प्रूव हो गई है। OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लाइन या डिस्टेंस लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो ये टेंजेंट पर सबसे छोटा डिस्टेंस है, हेंस हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, जो हमें प्रूफ करना था कि OM होगा परपेंडिकुलर किस पर, AB के ऊपर। इसी के साथ हमारा आ जाएगा बेटा आंसर। बड़ा ही इजी और एक सिंपल सी थ्योरम है जो आप प्रूफ कर चुके हैं। बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि बेटा आप लोगों को पहले क्या लेना है, एक सर्कल लेना है। क्या लेना है? पहले एक सर्कल लेना है, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, एक सर्कल लेना है। समझ में आ गया? वहां पर ये क्या है आप लोगों का, सेंटर है। ये क्या है हमारा, एक टेंजेंट है जो इसको टच करके जा रहा है। ये इस पे हमें बताना है कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करा, अपने पास से एक पॉइंट लिया, यहां पर सपोज करो क्यू या कोई भी पॉइंट लिया, इस तरीके से लिया, ठीक है बेटा। तो आप देखिए ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी या नहीं होगी, ये वाली लेंथ। अगर हम इसको O, इसको M, इसको A मानते हैं तो OM जो होगा वो OA के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर रहेगा। तो हम ये लिख देंगे कि जो हमारा OQ है वो बड़ा होगा किससे बेटा, OA से। जब OA से बड़ा होगा तो फिर ये OM से भी बड़ा होगा। तो मीन्स ये लेंथ बड़ी है, मतलब इसके अलावा हम कोई भी लेंथ लेते हैं, किसके अलावा बेटा, इसके अलावा अगर हम यहां से सेंटर से कोई भी लेंथ लेंगे वो हमेशा OM से क्या होगी बेटा, बड़ी होगी। और अगर वो बड़ी होगी तो फिर हम ये मान सकते हैं कि OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कहां से बेटा, सेंटर से, कहां पर, टेंजेंट AB के ऊपर, टेंजेंट AB के ऊपर। मैं यहां पे लिख देता हूं टू द टेंजेंट AB, टू द टेंजेंट AB। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से आप थ्योरम नंबर 11 प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।